नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सरदार त्रिलोचन सिंह को टिकट दिया गया है, जिसके चलते आज सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान मंजी साहब गुरुद्वारे में जाकर आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म शिव मंदिर में भी पहुंचकर आशीर्वाद लिया। सरदार त्रिलोचन सिंह इसके उपरांत निर्मल कुटिया पहुंचे और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर चुनाव में विजयी होने का शंखनाद दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा जो उनमें विश्वास व्यक्त किया गया है, वह उस पर पूरी तरह से खरे उतरने का प्रयास करेंगे और गुरुओं के आशीर्वाद से अवश्य विजय होंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला सरकार के साथ है और मौजूदा मुख्यमंत्री उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हर वर्ग के लोगों को परेशानियों का ही सामना करना पड़ा, अगर हमारी सरकार आई तो हम बिना किसी भेदभाव जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मंदी और व्हीकल एक्ट जैसे मुद्दे पर भी सरकार को घेरा कि ये सभी आमजन को परेशान करने वाले मुद्दे हैं, जिसका जनता ने विरोध भी किया है। गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब में और शिव मंदिर में, उसके बाद निर्मल कुटिया में, जहाँ सभी धर्मों का स्थान है, वहाँ पर मत्था टेकने के बाद परम पिता परमात्मा के आगे अरदास की, हे परमात्मा मेरे से कोई ऐसे शब्द ना कहलाना जो आगे जाकर मैं लोगों के करनाल के लोगों की सोटी पर खरा ना उतर सकूं, वही मेरे मुंह से कहलाना जो उचित हो, सम्मान हो और आने वाले लोगों को ये ना लगे भी ये भी दूसरों की तरह झूठ बोलते हैं। और परमपिता परमात्मा मेरे को शक्ति देना कि मैं इस सरकार के साथ, जहाँ पूरी सरकार एक तरफ है, जहाँ मैं अपने गुरुओं की आशीर्वाद से और भाइयों के सहयोग से और पार्टी के प्यार से करनाल से इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मेरे को आशीर्वाद बनाए रखना और मैं मर्यादा में रहूँ, यही मेरे लिए आज मैं कामना करने आया हूँ। मैं मर्यादित रहूँ और लोगों की सोटी पर खरा उतरूँ, झूठ ना बोल सकूँ और जो मेरे समक्ष सामने लड़ाई है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे को हौसला अफजाई मिलती रहे। लोगों ने अपना विधायक को चुना, विधायक उसे चुनते हैं जो सुख दुख का साथी हो। पिछले 5 सालों में अगर करनाल के जनता को ये महसूस हुआ हो कि जो विधायक उन्होंने पिछले 5 साल चुना उनके सुख दुख के साथी हैं, तो हमारे लिए खुशी होगी। लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सुख दुख का साथी नहीं है और विकास के मुद्दों पर वो अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, वो आए प्रेस के माध्यम से, प्रेस के किसी प्लेटफार्म पे, पब्लिक के बीच में, और मेरे से खुद आए, किसी कार्यकर्ता को ना भेजें और मेरे से बहस करें और बताएं क्या विकास कार्य किए और मैं बताऊं कि करनाल क्राइम सिटी क्यों बना, कैसे बना। सरदार त्रिलोचन सिंह ने खालिस्तान के साथ उनका नाम जोड़े जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मर्यादा में रहें और उसे लांघने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इतनी बड़ी चुनौती के सामने सभी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और किसान, मजदूर, गरीब, दलित, दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कड़े मुकाबले में आगे आए। यहां हम आपको बता दें कि सरदार त्रिलोचन सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से करनाल हॉट सीट माने जाने वाली विधानसभा पर टिकट देकर पार्टी की ओर से विश्वास व्यक्त किया गया है, जहां पूरे प्रदेश की नजर इस हॉट सीट पर रहेगी क्योंकि यहां से स्वयं मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी द्वारा भी पूर्व सैनिक तेज बहादुर को मैदान में लाया गया है, जिससे करनाल की सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। देखिए, मेरा करनाल में जन्म लिया और मेरा जीवन खुली किताब है, वो तो जात पात की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लोग समझते हैं कि वो कितना झूठ बोलते हैं, उससे उनका ही नुकसान होगा। अगर मैं मर्यादा मैंने तोड़ दी तो मनोहर खट्टर जी को चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, भाजपाइयों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, उनके अगर कारनामों को मैं
मर्यादित न रहता हुआ बताना शुरू कर दिया तो उनका जीना दुब्र हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, भाजपा वालों को, मर्यादित रहें, अच्छा रहेगा, चुनाव ठीक रहेगा, वरना मेरे तो साथ साथ मनोहर लाल खट्टर को भी वो लोग ले डूबेंगे। मैं दल बल के साथ नहीं, अपने भाइयों के साथ जाऊंगा, जो मेरे पिछले 37 साल से दुख सुख के साथी हैं। समय समय पर उन्होंने हमेशा मेरे सपोर्ट बने हैं, मेरे को सहयोग दिया है। मैं उनके साथ नामकरण पत्र भरने जाऊंगा और मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि जब तक चुनाव है मर्यादा में रहेंगे और कोई भी ऐसा शब्द ना कहें मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अमर्यादित हो। इसलिए मैं यही अपील करूंगा, संयम से आराम से चुनाव लड़ें। करनाल की जनता है ये सब जानती है, व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, बेरोज़गार है, नौजवान है, हमारी बहनें हैं जो रोज़ पिटती हैं सड़कों पे, वो सब जानते हैं भी वो कहाँ खड़े हैं। और मैं यहीं जन्म लिया मैंने करनाल में 1955 में, और यहीं से मैं आखिरी जीवन में रुखसत होऊंगा, ये मैं कामना करता हूँ। और मैं खुली किताब हूँ, सबके सामने हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी करनाल के लोगों के लिए और मैं लड़ता रहूँगा। मैं 20 दिन मांगे अपने साथियों से और 20 साल में अभी लगता है मैं जिंदा रहूंगा, उनके बीच में रहूंगा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।